आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे तगड़े मोबाइल फोन की रिव्यू करने वाला हूँ जो शायद बहुत ही जबरदस्त मोबाइल फोन है अपने प्राइस सेगमेंट में। चाहे वो डिस्प्ले ले लो, चाहे उसके कैमराज ले लो, चाहे उसकी लाइट वेट ले लो, काफी मस्त और मक्खन वाले मोबाइल फोन है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के बॉक्स को ओपन करते हैं। वैसे दोस्तों जब अमेजन की डिलीवरी आया तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने एक तरफ से इसकी कटिंग कर दी। खैर मैंने बॉक्स भी ओपन नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में मोबाइल फोन की बॉक्स है जिसके ऊपर लिखा है गैलेक्सी M52। जी हाँ बिल्कुल हम इसी फोन के रिव्यू करने वाले हैं। नीचे सैमसंग, इस साइड में भी गैलेक्सी 52, पीछे की साइड में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। मेरे पास जो यूनिट है उसमें है गैलेक्सी 52 5G ब्लेजिंग ब्लैक 6GB और 128GB स्टोरेज के साथ में आता है। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओहो, पहले आपको मोबाइल मिलती है, मोबाइल को रख देते हैं साइड में। बॉक्स के अंदर आपको एक 15 वाट का नॉर्मल अडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि पुराने डिजाइन में आता है, जो सैमसंग करीब 4 से 5 साल पहले आता था सेम उसी डिजाइन में अभी भी आ रहा है। उसके साथ साथ आपको एक इजेक्टर टू देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको एक USB 2 USB-C केबल देखने को मिल जाता है। इसकी लेंथ काफी कम है। इसके पहले मेरे पास Realme XT का था, उसके केबल से ये केबल छोटा है। क्या स्पेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्रॉस कटिंग, यहाँ पे क्रॉस कटिंग, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद डब्बे को हम फेंक देंगे साइड में। उसके बाद हम देखेंगे फोन की ओर। ओह माय गॉड, ओहो, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है भाई, बहुत ही जबरदस्त। फोन के अगर मैं डिजाइन की बात करूं दोस्तों तो डिजाइन तो काफी तगड़ा है। ये कलर ब्लेजिंग ब्लैक है, इसके ऊपर एक हल्का सा बारीक सा धारी है, मतलब फील नहीं होगा आपको कि इसके ऊपर धारी है, बट ये हल्का सा है जो कि दिखने में लगता है, बाहर से आप देखोगे तो लगेगा कि इसके ऊपर एक धारी है। वैसे दोस्तों अगर मैं इन हैंड फीलिंग की बात करूं तो इन हैंड फीलिंग काफी तगड़ा है, देखो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे मेरा हाथ जो है ना थोड़ा सा छोटा है, तो उस हिसाब से अगर मेरे हाथ में ये फिक्स हो गया तो मैं समझता हूँ कि किसी के हाथ में भी ये फोन फिक्स हो जाएगा इजिली और आप इसे एक हाथ से भी आसानी से यूज कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे की साइड में दोस्तों ये पूरी तरीके से प्लास्टिक की बनी हुई है, तो मेरे तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा कि आप इसे कवर के साथ यूज करो, अन्यथा आपको बहुत सारी चीजें इसके ऊपर पड़ते हुए दिखनी पड़ सकती है। चलिए अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। वैसे दोस्तों जब तक मेरा फोन ऑन हो रहा है तब तक आपसे एक यार रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या रहेगा, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करके रखोगे तब जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो देखकर कुछ ना कुछ तो जरूर आप सीख ही सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों फोन हमारा स्टार्ट हो रहा है। वैसे दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर आपको बहुत सारे कचरा घान पहले से ही मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन है। वैसे अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप नॉर्मली इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो आप जिसे भी चाहो अनइंस्टॉल कर सकते हो। चलिए अब इसके डिजाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप डिजाइन देखिए कितना पतला है, देखिए बहुत ही पतला है, मतलब अगर आप इसे फिंगर रखोगे या फिंगर नहीं तो आप ये रखिए, देखिए इससे भी ज्यादा पतला है, ये देखो बहुत ही ज्यादा पतला है यार फोन, बहुत ही ज्यादा पतला। मतलब अगर आप पतले फोन के शौकीन है मेरी तरह तो आप इसे 100% बाय कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इसके पोर्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको USB Type-C का कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जैसा की आप देख सकते हैं। एक आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, दूसरा एक मोनो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, तीसरा आपको एक फिंगर टच बटन देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये ऑन ऑफ बटन है और ये प्रॉपर वर्क करता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यूज करने में। और ये प्लस माइनस का वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 778G का 5G वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है। इसके अंदर आप दोस्तों हाई सेटिंग में Ultra HD के साथ गेमिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। वैसे दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए जब आप एक अच्छा वाला ईयरबड यूज करेंगे तभी आप गेमिंग एक्सपीरियंस का अच्छे से मजे ले पाएंगे। अगर मैं दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो इसका जो डिस्प्ले है ये काफी जबरदस्त डिस्प्ले है। इस मोबाइल को अगर आप मल्टीमीडिया के लिए खरीदना चाहते हैं तो काफी तगड़ा ये मोबाइल फोन है, क्योंकि इसके अंदर आपको Full HD+120Hz और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जब हमने इसको बाय किया था ना तब ये एंड्रॉइड 11 बेस पे आया था और अभी इसमें अपडेट आ चुका है, ये एंड्रॉइड 12 पे वर्क कर रहा है। ये फोन जो मेरे पास है इस फोन का स्टोरेज है 128GB और 6GB रैम है, तो अगर आप डाई हार्ड यूजर भी हो तब भी आप 6 और 128GB का ही फोन बाय करना, क्योंकि इसमें आपका सारा काम निकल सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं दोस्तों नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 5G का तगड़ा 11 बैंड देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट भी है और डुअल बैंड वाईफाई भी है। इस वजह से आपको तगड़ा कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है आज भी और आने वाले फ्यूचर में भी। बैटरी की बात करूं दोस्तों इसके अंदर
अंदर आपको 5000 मेगाहर्ट्ज की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो काफी तगड़ी बैटरी है। मतलब एक साल पुराना मोबाइल फोन होने के बावजूद भी आपको पूरे दिन ये आराम से निकाल देता है। मतलब अगर मैं बैटरी एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये सब चीजें आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप चीजें यूज करोगे उसी हिसाब से आपका बैटरी चलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक डाई हार्ड यूजर हूँ, मैं गेमिंग भी करता हूँ, सारी जितने भी मेरी वीडियो स्क्रिप्टिंग मैं इसी फोन में करता हूँ, एडिटिंग भी कभी कभी इसी फोन में करता हूँ। इसके बावजूद भी ये फोन पूरे दिन अच्छे से निकाल देता है। जब शाम होता है तो कभी 7%, कभी 9%, कभी 10% पे ये बजता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बैटरी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ दोस्तों, तो इसके अंदर NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से आप टच एंड पे सैमसंग पे का यूज करके आसानी से कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो सैमसंग की तरफ से आते हैं। अब कर लेते हैं इसके ऑडियो की बात। भाई साहब, अगर ऑडियो के लिए लेना है ना, तो इस फोन के करीब भी मत जाना, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। इस फोन के अंदर डॉल्बी का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इस फोन के अंदर सिर्फ आपको एक मिनी स्पीकर दिया गया है, ये किसी काम का भी नहीं है। मतलब जब आप कोई वीडियो प्ले करके रखे हो, फुल में भी जब आप इसको वॉल्यूम कर दोगे ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 4-5 या 3-4 पॉइंट पे सुन रहा हूँ। इस तरीके से हमको फील देता है। आवाज तो बिल्कुल ही एकदम नल्ला किस्म का है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इसका आवाज। चलिए दोस्तों, अब इसके सबसे मेन टॉपिक की बात करते हैं, जो इसका कैमरा है। इसके अंदर आपको दोस्तों 3 स्लॉट वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। पहला कैमरा इसके अंदर आता है 64 मेगापिक्सल का, जो इसका प्राइमरी कैमरा है। दूसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और तीसरा है 5 मेगापिक्सल का, जो इसका माइक्रो सेंसर कैमरा है। तो दोस्तों, आपको कुछ मैं कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका कैमरा शूट करता है। तो मेरे हिसाब से कैमरे के लिहाज से एकदम मक्खन है भाई। अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसी फोन से मैंने बहुत सारे फोटोज कैप्चर किए हैं, तो मैं ऐड कर दूंगा साइड बाय साइड, आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई वीडियो एडिटर हो या वीडियो रिकॉर्डर मींस कि एक यूट्यूबर हो मेरी तरह, तब आप इस फोन को 100% बाय कर लेना, पीछे मत हटना, क्योंकि आजकल ये सिर्फ 19,000 रुपए में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अमेजन का, जाके वहां से चेक कर लेना, क्योंकि इस मोबाइल फोन से ना काफी तगड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। काफी तगड़ा बोले तो काफी तगड़ा। तो उसी के लिए ही स्पेशली मैंने फोन को खरीदा है, क्योंकि ये फ्रंट से भी 30fps में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ और बैक कैमरे से भी मैं 4K में 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफी बेनिफिट है। लेकिन खैर, नसीब मैं 1080fps में ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होता है भाई, होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे ना तब पता चलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके कैमरे में बहुत सारे फिल्टर्स भी आते हैं, बहुत सारे सेटिंग भी है, तो जो एक नॉर्मल कैमरे में आता है, मीन्स की जो 21,000-20,000 वाले फोन में आते हैं, वो सारे सेटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। एक बात दोस्तों मैं बताना भूल गया कि इस मोबाइल के अंदर आपको LPDDR1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस वजह से आप HD में नेटफ्लिक्स का मजा ले पाएंगे। वैसे इसमें बहुत सारी कमियां हैं। एक कमी के साथ साथ इसके अंदर आपको कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं है। फिर भी मैंने इस मोबाइल फोन को बाय किया है। क्यों? क्योंकि मुझे कैमरा पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग पसंद है। इसी वजह से मैंने इस मोबाइल फोन को बाय किया है और इसी मोबाइल फोन को यूज करके ही मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये नॉर्मल अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था। इसके 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद इसको मैं पूरी तरीके से यूज करूंगा और टेस्ट करूंगा, तब जाके मैं दूसरा वीडियो आपके सामने लाऊंगा और तब जाके क्लियर हो पाएगा कि ये फोन मेरे लिए बेनिफिट वाला है या नहीं है। तो अगर आप वो वाला पार्ट देखना चाहोगे तो प्लीज यार नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो से आप मिस ना हो पाए, क्योंकि वो जो वीडियो रहेगा वो सबसे तगड़ा और खतरनाक रहेगा और हो सकता है कि उस वीडियो में मैं फेस कैम वीडियो बनाऊं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो तो ज्यादा मजा आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।